सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। पीरियड्स के कितने टाइम के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है, यही इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैनल, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप कंसीव ना कर लो, या फिर आप नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर आप ऐसे टाइम पीरियड की प्लानिंग कर रहे हो कि जहां पर आप कंसीव ना करो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा टाइम पीरियड होता है पीरियड्स के बाद का, जिसमें कंसीव करने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो गाइज़ देखिए, सबसे पहले तो आपको ओवल्यूशन डेट का पता होना चाहिए। ओवल्यूशन डेट एक ऐसी तारीख होती है जिसमें आपकी ओवरी से, अंडेदानी से एक अंडा रिलीज़ होता है। जब ये अंडा रिलीज़ होगा तो मेल का जो शुक्राणु है ये इस अंडे को अंकुरित करता है, मतलब कि फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये अंडा आपके गर्भाशय में जाता है, यूट्रस में जाता है, वहाँ पर ये इम्प्लांट होता है, मतलब कि बोया जाता है नेचुरली, ओके। और वहाँ से आपके जो 9th मंथ की प्रेगनेंसी की जर्नी है वो शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है ओवल्यूशन डेट की। साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक है कि पीरियड्स के कितने टाइम के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है, ये बात इस पर भी डिपेंड करती है। तो देखिए गाइस, ओव्यूशन डेट जो है वो फीमेल्स को उनके पीरियड साइकिल के हाफ टाइम पीरियड पर ही आता है। मतलब सामान्यतः जो पीरियड साइकिल है वो 21 से 35 दिन के अराउंड होता है। अगर इसका एवरेज निकालें तो 28 डेज होता है। अगर उसका हाफ कर देते हैं तो 14th डे बनता है। तो इस 14th डे पर ओव्यूशन होता है, मतलब कि अंडा रिलीज होता है। अगर आप इस टाइम पीरियड पर अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन बनाते हो तो कंसीव करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं कि जो अंडा रिलीज़ हुआ था वो कितने टाइम पीरियड तक अंदर रहता है, साथ ही जो मेल का स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो कितने टाइम तक अंदर रहता है। तो गाइस देखिए, जो अंडा रिलीज़ होता है अगर वो मेल के शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज नहीं होता तो उसका टाइम पीरियड होता है जिंदा रहने का, वो होता है मैक्सिमम 12 से 24 घंटे का, ठीक है मैक्सिमम। लेकिन कई स्टडीज़ में 48 देखा गया है कि वो जीवित रह सकता है। फिर उसके बाद वो श्रिंक हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और फीमेल्स को उनका पीरियड आ जाता है। अगला, जो स्पर्म्स हैं, जो शुक्राणु हैं, वो कितना टाइम पीरियड तक अंदर रह सकते हैं। तो सामान्यतः जो शुक्राणु हैं वो 7 दिन तक अंदर रह सकते हैं, 5 से 7 दिन तक का टाइम पीरियड होता है उसके अंदर रहने का, ठीक है, वो सर्वाइव कर सकती हैं। लेकिन स्टडीज़ ये भी बताती हैं, कई स्टडीज़ की, वो 14 दिन तक भी अंदर रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एवरेज है कि जो स्पर्म्स हैं वो 5 से 7 दिन तक अंदर रह सकते हैं। तो अगर आप ओवल्यूशन से पहले एवरेज अगर बात करें तो 8 दिन पहले अगर आप अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन बनाते हो तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। साथ ही ओवल्यूशन के 1 हफ्ते बाद अगर आप अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन बनाते हो तो कंसीव करने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। अगर एवरेज बताऊं तो जो पीरियड था, पीरियड के 1 से 10 दिन के बीच में काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। फिर पीरियड आने के 10 से 20 दिन के बीच में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कंसीव करने के। फिर 20 से 30 दिन के बीच में काफ़ी ज़्यादा चांसेस कम रहते हैं कंसीव करने के। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।